भयंकर बारिश के बाद गुजरात के कई जिले बाढ़ में तब्दील हो गए। पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने पूरे प्रदेश को जलमग्न कर दिया है। जहां तक नजर जाएगी केवल पानी ही दिखाई देगा। यहां बाढ़ और बारिश ने ऐसा तांडव मचाया कि पिछले 3 दिनों में करीब 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ के प्रकोप से जान गंवाने वाले लोग राजकोट, आनंद, महीसागर, खेड़ा, अहमदाबाद, मोरबी, जूनागढ़ और भरूच जिले के रहने वाले हैं। इस बीच बाढ़ का कहर सबसे ज्यादा वडोदरा पर बरसा है। यहाँ के कुछ इलाके 10 से 12 फीट पानी में डूब गए हैं। बता दें, कच्छ में देर रात तेज तूफानी बारिश हुई। ऐसे में आज गुरुवार को राज्य के कुल 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन जिलों में कच्छ, मोरबी, जामनगर, राजकोट, द्वारका, पोरबंदर और जूनागढ़ का नाम शामिल है। साथ ही यहां हल्की गरज के साथ 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इस दौरान राज्य के 4 जिले ऐसे भी हैं जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इनमें सुरेंद्रनगर, बोटाद, अमरेली और गिर सोमनाथ शामिल है। यहां हवा की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो सकती है। इन 4 जिलों में हल्की गरज के साथ बौछारें और मध्यम बारिश का अनुमान है। सैलाब ने सबसे ज्यादा तबाही वडोदरा में मचाई है। विश्वामित्री नदी का जलस्तर बढ़ने से यहां हालात ज्यादा खराब हुए। आज विश्वामित्री नदी का जलस्तर 32.5 फीट तक बढ़ गया है। बुधवार को नदी का जलस्तर 35.25 फीट था। नदी का पानी शहर के करीब 50% हिस्सों में घुस गया है। इस वजह से कई इलाकों में बिजली भी बंद है। लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। इस बीच लोग ट्रैक्टर से जरूरी सामान लेने घर से बाहर निकले हैं। शहर के निचले इलाकों में बने घरों और दुकानों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों को काफी परेशानी हुई। कई लोगों ने अपने घर शिफ्ट किए। आप ये वीडियो देख सकते हैं कैसे पूरा इलाका पानी पानी हो चुका है। हाल इस कदर खतरनाक हुए कि नदी में रहने वाले मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में घुस गए। कई जगह से वीडियो सामने आए जहां घरों के आसपास मगरमच्छ को स्पॉट किया गया। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक गहरा दबाव भुज से 50 किलोमीटर और नलिया से 100 किलोमीटर दूर है। ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिम जिलों की ओर बढ़ रहा है। ये आज यानी 29 अगस्त की सुबह पूर्वोत्तर अरब सागर यानी नॉर्थ ईस्टर्न अरेबियन सी, सौराष्ट्र और कच्छ की ओर बढ़ सकता है। इस सिस्टम की वजह से सौराष्ट्र और कच्छ में भयंकर बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ जिलों में भारी से बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। गुजरात में बाढ़ के कहर के बाद भारतीय सेना ने बचाव अभियान शुरू किया। यहां 6 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। बता दें, बुधवार तक 12,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। इस दौरान लगभग 5,000 से ज्यादा लोगों को सेफ जगह पर शिफ्ट किया गया है। ये जानकारी गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने दी है। विश्वामित्री नदी में बाढ़ की वजह से वडोदरा में तबाही मची। जो लोग वहां फंसे हुए हैं उन्हें खाने पीने और दवाइयों की सुविधा भी दी गई है।